आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश कार्याध्यक्ष जनाब जावेद हबीब के नेतृत्व में नागपुर जिला अधिकारी माननीय श्री विपिन इडनकर साहब को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज की पूर्व मैट्रिक कक्षा पहली से आठवीं तक की जो शिष्यवृत्ति बंद की गई है उसे दोबारा लागू करने बाबत निवेदन दिया गया। इस मौके पर प्रमुखता से माजी आमदार श्री प्रकाश गजविजय जी, डॉक्टर असलम बारी साहब, श्री राजा बेग साहब, एडवोकेट ताबिर शेख, जाकिर शेख, एडवोकेट गजनन काले, नासिरुद्दीन, सूफी टाइगर, रिजवान अंसारी, कादिर शेख, तौसीफ शेख, जावेद अहमद, गुलाम मुस्तफा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के कलेक्टर ऑफिस पे मौजूद है और हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद है। आइए हम बात करते हैं, आपका यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले 3-4 दिन पहले एक GR निकाला है और GR के माध्यम से जो अल्पसंख्यक समाज की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी वो कक्षा पहली से लेके आठवीं तक को बंद कर दिया है। एक्चुअली ये जो योजना थी ये अल्पसंख्यक समाज का जो BPL वर्ग है जिसका इनकम 1 लाख से कम है ऐसे समाज के वर्गों के लिए वो योजना थी और उसमें भी नियम थे कि एक परिवार से सिर्फ 2 लोगों को दिया जाएगा, 30% लड़कियों को दिया जाएगा और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये था कि अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, पालकों पर वित्तीय भार न पड़े, एक मोटिवेशन हो, बच्चे कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए 15 सूत्री योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया गया था। अपेक्षा ये थी कि आने वाली सरकार जो है ये आय सीमा को बढ़ाएगी, शिष्यवृत्ति की राशि को बढ़ाएगी, लेकिन सरकार ने इसको टोटली रद्द कर दिया है। ये अल्पसंख्यक समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। जो सरकार ये कहती है कि शिक्षा को बढ़ाया जाए, मातृभाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, अल्पसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत सिर्फ मातृभाषा में की शिक्षण ही अधिक प्रमाण में होता है, तो इस योजना का जो बंद करने का जो कारण है वो अल्पसंख्यक समाज पर ही पड़ने वाला है। और सरकार ने जो कारण बताया है कि राइट टू एजुकेशन अंतर्गत फ्री एजुकेशन मिलता है इसलिए इसको चालू रखने की जरूरत नहीं है, ये सरकार का जो कारण बताया है वो टोटली गलत है, असत्य है, क्योंकि RTE जो है वो पूरे भारत के सभी समाज के लिए है। 25% जो कोटा होता है वो गरीब वर्ग के लिए होता है और उसमें सभी समाज आता है। प्रायः जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनको इसका फायदा मिलता है, माइनॉरिटी में तो लोग मातृभाषा में पढ़ते हैं, इसलिए मातृभाषा के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो RTE के अंदर ज़्यादा जाते नहीं हैं, इसलिए ये योजना उनके प्रचार प्रसार के लिए ज़रूरी थी। तो हमारी सरकार से अपेक्षा है, हम यहाँ पर निवेदन देने के लिए इसलिए आए हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिया है इस योजना को रद्द किया है, सरकार अपना निर्णय पीछे ले और इस योजना को पुनः लागू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अंतर्भूत हो, उनका समावेश हो, इसलिए कोटा बढ़ाया जाए, आय सीमा बढ़ाई जाए और जो मिलने वाली राशि है उसको बढ़ाया जाए ताकि भारत सरकार का जो मिशन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा का सभी समाज तक प्रचार प्रसार, सबको शिक्षित बनाने का जो योजना है उसके लिए सरकार इसे पुनः लागू करे, यही हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। इसी के साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए राष्ट्रीय नेता माननीय जावेद हबीब साहब, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि सरकार की ये जो नीति है, सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। एक तरफ सरकार कहती है हर टेलीविज़न के माध्यम से कि सबका साथ सबका विकास, आज एक अल्पसंख्यक के बड़े तबके को शिक्षा से वंचित करने का काम, आज ये जो GR आया है ये शिक्षा से वंचित करने वाला GR है। माइनॉरिटी में मुस्लिम, दलित, बौद्ध, क्रिश्चन, सिख और ईसाई, ये इतनी कौमों को कहीं तो भी शिक्षा से वंचित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमें उस भारतीय जनता पार्टी के इस काले GR को रद्द करने के लिए आदरणीय कलेक्टर महोदय साहब से हमने निवेदन किया और उनके मार्फत राष्ट्रपति महोदय को हमने एक लेटर भेजा है। अगर सरकार इन लेटरों से नहीं मानी तो फिर इसका जवाब हम सड़कों पर ज़रूर देंगे। आज हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे यहाँ के कलेक्टर विपिन इटनकर साहब को एक निवेदन दिया है, जो ये सरकार ने वंचित वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी सरकार की तरफ से, उसको खासकर माइनॉरिटी की और लड़कियों को, इसका 30% लड़कियों को जो फ़ायदा मिलता था उसको वापस लेकर जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो सरकार
बताती है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है सरकार ने, जो इनको निचले वर्गों को वंचित रखने का काम सरकार कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अभी हमने हमारे कलेक्टर के मार्फत से हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेटर लिखा है, और वो लेटर राज्यपाल के मार्फत से राष्ट्रपति तक जाना चाहिए। और ये जो सरकार ने कदम उठाया है छात्रवृत्ति कैंसिल करने का, इसको सरकार ने वापस लेना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है, हम लोग रास्ते पर आएंगे और आंदोलन करेंगे।